यात्रा निकले के चाहिए, गरीब संपर्क यात्रा। दुनिया में दुए जात हुआ है, एक वो गरीब के हुआ है, एक वो अमीर के हुआ है। जेकर हाथ में चाबी रहता है, तलवा ओकरे से न छूटता है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समाधान यात्रा पर थे। समाधान यात्रा की समाप्ति हो चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी अब यात्रा पर निकले हैं। जी हां, उनका ये कहना है कि ये यात्रा सिर्फ मैं गरीबों के लिए कर रहा हूं, गरीबों की आवाज जो सरकार तक नहीं पहुंचती है, तो मैं वहां तक जाकर उनकी समस्याओं को जानना चाहता हूं और उसके बाद उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहता हूं। पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जीतनराम मांझी। अब यहाँ पर देखा हमारी के औरंगाबाद के अध्यक्ष भी आवेदन थे, उपाध्यक्ष भी आवेदन थे और चौबे जी को भैया है हमारी के, तो सब निर्णय लिए थे मिल जुल करके कि एक यात्रा निकले के चाहिए, गरीब संपर्क यात्रा। तो गरीब संपर्क यात्रा का मतलब हुआ है कि सब तो कोई कुछ कोई कुछ नाम से यात्रा निकाला आती है, लेकिन हमारी गरीब जो पार्टी है, क्योंकि हमारे पार्टी के यही उद्देश्य है कि दुनिया में दुए जात हुआ है, एक वो गरीब के हुआ है, एक वो अमीर के हुआ है। तो अमीरवन में हैया थी, अपना काम करे थे दूसरा, लेकिन गरीब के काम आज तक सिर्फ कहल जा रहा है। हमारी बड़ी सोच रही कि हो गए, लेकिन न करे थे। कारण है कि सत्ता उनकर हाथ में है, सरकार के चाबी उनकर हाथ में है। तो जेकर हाथ में चाबी रहता है, तलवा ओकरे से न छूटता है। वही बात है कि हमनी के चाबी न मिलल है, ओकरे में हमनी सब जगह घूमे थी और भाई बंधु बाल बच्चा सब के चेतावे थी कि कैसे हमनी के हाथ में वो चाबी आ रहा। तो आपने देखा इस वीडियो में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जीतनराम मांझी। उन्होंने कहा है कि मेरे हिसाब से इस समाज में सिर्फ दो ही जात है, एक अमीर और एक गरीब। अमीरों की आवाज तो सरकार तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन अगर हम बात करें गरीबों की, तो गरीबों की आवाज कहीं ना कहीं बची रह जाती है। उनकी परेशानी, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाता है, क्योंकि सरकार उनकी आवाज को नहीं सुनती है। तो गरीब संपर्क यात्रा निकालने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वैसे गरीबों की आवाज सरकार तक पहुंचा सकूं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।